नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री और एसटीएफ पार्टी के अध्यक्ष पवन चामलिंग ने नेतृत्व में सिक्किम बचाओ अभियान में आज गैंगटोक में एक रैली निकाली गई। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध रैली में बोलते हुए एसटीएफ पार्टी के अध्यक्ष पवन चामलिंग ने कहा कि सिक्किम के लोग सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान टिप्पणी के खिलाफ भावनात्मक रूप से आहत हुए हैं। उन्होंने सिक्किम बंद की भी आह्वान की है। चामलिंग ने 4 से 5 फरवरी को 2 दिवसीय सिक्किम बंद का आह्वान किया है। उन्होंने सभी समर्थकों को एकजुट होकर बंदी में सहयोग करने का कहा। गेजिंग में आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने दूसरी बार जुलूस निकाली और गेजिंग बाजार में सुदेश ज्योति का पुतला फूका। गेजिंग जिले के आसपास तासीदिंग यस्कम सहित विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जुलूस नगर पालिका पहुंचा और विरोध लाइन से रद्द करने की मांग के साथ रविवार को सभी बाजार बंद करने की मांग, और साथ ही उन्होंने कहा, चेतावनी दी, अगर रविवार को बाजार बंद नहीं किया गया तो तोड़फोड़ की जाएगी। सिलीगुड़ी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 9 फरवरी को जलपाईगुड़ी में ठाकुर पंचनाग वर्मा स्मारक भवन का उद्घाटन करेगी। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के कार्यालय में शुक्रवार को अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती के पत्रकार सम्मेलन का यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ठाकुर पंचनाग वर्मा को मेमोरियल सोसाइटी ने सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण को एक प्रस्ताव दिया और जिसके आधार पर जलपाईगुड़ी राजबाड़ी तालाब के पास ठाकुर पंचनाग वर्मा मेमोरियल बिल्डिंग का निर्माण किया गया। इस भवन को पुस्तकालय बना दिया गया है। जलपाईगुड़ी शतक के दशक में राज्यपाल सीवी आनंद बोस स्टेट बैंक के जलपाईगुड़ी जिला शाखा के अधिकारी थे। उस याद को ताजा करते हुए उन्होंने जलपाईगुड़ी के सबसे पुराने बैंक भवन का दौरा किया। स्टेट बैंक के सदस्यों ने पुराने जलपाईगुड़ी मुख्य भवन को जलपाईगुड़ी आगमन को लेकर भव्य रूप से सजाया था। इस बैंक में वर्तमान और पूर्व कर्मचारी राज्यपाल से मिलकर बहुत खुश हुए। विजिट्स वेयर रिफ्रेशिंग एक्साइटिंग एंड विजिट टू दिस बैंक इनवोक्ड अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिक मेमोरीज इन मी। आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल करियर from this place, and if I have reached where you know I am, I owe it to the State Bank of India, particularly the then Chief Manager Sri Ashok Raj Chaudhary. There are two lessons which he taught me. One, he said, if you don't get what you like what you get. Second, he said there should be total commitment and dedication to work. These are the two leading tenets which has guided me in my life. Now I am in Bengal. I will certainly try to discharge my responsibilities to the people of Bengal with the commitment which I learned from the State Bank of India. Thank you. Please. कोलकाता में आवास योजना 100 दिनों के कार्य सहित विभिन्न परियोजनाओं को निरीक्षण पर केंद्रीय टीम पूर्वी वर्तमान पहुंचे। शुक्रवार को 3 सदस्यीय केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल आचरण वर्तमान के जिलाधिकारी में बैठक कक्ष में पहुंचे। वहां के जिला अधिकारी से मिलने के बाद उन्होंने दौरा किया। पूर्वी वर्तमान के जिले में अगाउस ग्राम में इस दिन केंद्रीय टीम के एक अधिकारी अजूब महापत्रा ने संवाददाताओं से कहा कि फिलहाल बैठक हुई है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अब बीडीओ साहब से बैठकर चर्चा करेगी, इसके बाद कहा जाना है। मालदा में मुख्यमंत्री की सभा के लिए जाते समय बस दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति जिला प्रशासन ने की मदद। मुस्ताफिजुर रहमान को चेक सौंपते मजीन खातून ने कहा कि लड़का माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रशासन की बैठक में शामिल होने के लिए काजोल गया था। बस की चपेट में आने से बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, वहां इलाज चल रहा। सरकार आज लौटने के बाद जिला पार्षद द्वारा 50,000 रूपए मुआवजा चेक सौंपा गया। सरकार के मदद पाकर व्यक्ति बहुत खुश हुआ। স্টেট থেকে একটা উপাধি দেওয়ার কথা ছিল, সেটা পেলাম, আর একটা 50,000 টাকা চেক। কেন পেলেন, কি কারণ হয়েছিল আপনার এই? আমরা মুখ্যমন্ত্রী সভাতে যাচ্ছিলাম, যেহেতু আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে বাসে, তার জন্য 50,000 টাকাটা আমাদেরকে দিল। কি কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল একটু জোরে বলুন। আমরা মালদা থেকে গাজল যাচ্ছিলাম বাসে, বাস চলে যেতে বাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম, তার জন্য। তাহলে এখন কি পেলে?
এখন একটা 50,000 টাকা দিতে আর একটা সার্টিফিকেট রেজিস্টারাইজে এদিকে আসে এই কারা এসেছিল দিতে আপনাকে জেলা পরিষদ থেকে মার্জিন আসছেন এসেছিল আর এবং আমাদের গ্রামে समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें SN Interiors Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. Golden opportunity of foreign employment in Kuwait for restaurant, confectionery and central kitchen and earn 40 to 60,000 in a month. Client interview on 4th and the 5th of February 2023, Saturday and Sunday, at Hotel Royal Sarovar, 3rd Mile, Sevok Road, Siliguri. Age, 21 to 35, minimum 2 to 3 years of relevant experience, good communication skill and personality. Contact for more details. Future Vision Consultancy, Iskan Road, Siliguri. Phone, 9800-866-855. पंजाब सरकार डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी साथै अरु थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरु टिकट मूल्य 500 रुपया ड्रॉ 18 फरवरी याद राख्नुस् पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकट बाट मुकेश शर्मा डियर लोहरी मकर संक्रांति बम्पर 2023 मा 5 करोड़ विजेता डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी भाग्य बदलिन्छ जीवन बदलिन्छ एडमिशन गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 5 एट मयूर स्कूल सिलीगुड़ी Offering courses in collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Facilities at Mayur School, Centrally Air Conditioning Smart Class. Robotic Lab, Cricket, Art Village, Football, Music Studio, Swimming, Indoor Games, Drama Theatre and many more. The facilities of a school impact overall learning process as well as the mental and physical growth of the students. Hakuriya, Pathur Ghata, Matigara, Siliguri. Visit or call. 41.68199 Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing. The unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640-90007, www.medicalscribe.co.in. केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड़ सच्ची किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया शो के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान जहां हेवल्स गोल्ड मेडल आरआर कैबेल्स क्रेबेट्री लेग्रेंड बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं ग्राहकों की संतुष्टि शीघ्र सेवा कम्पेटिटिव प्राइसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स सेवक रोड सिलीगुड़ी 9932018834 मैं हिमानी रॉय थेरेपी इंचार्ज और सूत्रा स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्पीच थेरेपी साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा पंजाब
50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कम्फर्ट टू बी हैप्पी। फॉर रेडी एंड कस्टमाइज्ड फर्नीचर विजिट सिलेक्शन फर्नीचर, फर्स्ट फ्लोर, मेट्रो हाइट्स, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9832011336। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्यक्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। अलीपुर द्वार में जंगली हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत। परिजनों ने बताया कि क्षेत्र निवासी देवत भट्टाचार्य बीती रात अपने घर के पीछे सुपारी के बगीचे में गया था, तभी एक जंगली ने हाथी ने उस पर हमला कर दिया और मौके पर ही मौत हो गई। मादरीहाट थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, अस्पताल में भेज दिया है। यहां लोगों का कहना है कि जंगली हाथी लगातार हमले कर रहे हैं, क्षेत्र निवासी दहशत में हैं। सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 36 में मां कैंटीन के निर्माण के लिए इलाके का निरीक्षण करने मेयर गौतम देव पहुंचे। पिछले वार्ड बैठक में वार्ड नंबर 36 के पार्षद रंजन सिल शर्मा ने शिकायत की थी कि वार्ड वॉलीबॉल प्रतियोगिता और कई अन्य चीजें चल रही थी, लेकिन उनके वार्ड की जर्जर सड़कें और बाजार में नालियां नहीं बन रही हैं, जिसके कारण ये सभी क्षेत्र मानसून का दौरान पानी में डूब जाते हैं। इसी शिकायत के आधार पर शुक्रवार को मेयर गौतम देव ने बोरो अध्यक्ष प्रतिनकाल प्रश्वास और वार्ड पार्षद रंजन सिल शर्मा के साथ इलाके का मुआयना पर निकले। একটা এনজিপিতে চলছে, একটা 18 নম্বর ওয়ার্ডে চলছে, একটা হাসপাতালে আমরা নতুন করে করেছি। মা ক্যান্টিনটা আমরা করব, এটা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুব প্রজেক্টেড প্রোগ্রাম। এখানে একটা প্রস্তাব দিয়েছে যে অত বড় বাজার আছে, এখানে হায়দ্রাবাদেও আমরা চেষ্টা করেছিলাম, এখানে সাকসেসফুল হয়নি। গেট বাজার সাইডে একটা করা যেতে পারে, 3-4টা বাজার এলাকায়, তারপর এদিকে পিসি মিত্তাল টার্মিনালের ওদিকে করবো। কিন্তু এটা যখন প্রপোজাল এসছে, একটা জায়গা দিচ্ছে, সেই জায়গাটাতে আপাতত স্টার্ট করবো। পাশে একটা ছোটো জায়গা আছে, ভালো জায়গা, ওইখানটাতে মা ক্যান্টিনের যে মডেল। कोलकाता में हावड़ा बल्ली ब्रिज से सटे बालीघाट स्टेशन में बगल में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के प्रवेश द्वार में पर सड़क के किनारे एक स्टोव ब्लास्ट करने से रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि देखते ही देखते दुकान का आग फैल गई, पूरी दुकान धू धू करके जलने लगी। इसके अलावा कुछ स्थानीय गुमटियों में आग फैलने का खतरा बढ़ गया था। ডানকুনি কামালগাছি বাস তখনই সবে এসে ওই স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছে, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ওই গুমটিটায় আগুন লেগে যায়। আগুনটা লাগার কারণ যেটুকু ওই মুহূর্তে ওখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম সেটা হচ্ছে ওটা ফাস্টফুড একটা সেন্টার। सिलीगुड़ी के बागडोगरा में 300 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूत्रों से जानकारी के आधार पर बागडोगरा थाने की पुलिस व स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गुरुवार रात युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 300 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किए। गिरफ्तार युवक को बागडोगरा थाने ले आया गया। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि इसमें से कोई और शामिल तो नहीं। सिलीगुड़ी के माटीगारा थाने की पुलिस ने लाखों रुपए के कफ सिरप के साथ दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया। माटीगारा थाने की पुलिस ने गोपनीय सूत्रों के आधार पर सिलीगुड़ी के परिवहन नगर में छापेमारी की। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिरप बरामद किए गए। दोनों युवक को कफ सिरप को कहां बेचते थे, पुलिस पूरी बात की जानकारी शुरू कर दी है। अलीपुर द्वार में जटेश्वर चौक की पुलिस ने अवैध रूप से पत्थरों से लदे ट्रॉली के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को सुबह जटेश्वर बाजार में पत्थरों से लदी एक ट्रॉली को रोका। कागजात नहीं दिखा देने पर आरोप चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सूत्रों के अनुसार आरोपी को अलीपुर द्वार कोर्ट भेजा जाएगा। पुलिस पूरी घटना की छानबीन कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते। बिजनेस का तंबू
तीन बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।